ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अगर एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर बंद कर देते हैं हम, इसको अगर यूं लिख दें, एक बॉक्स बना के उसके अंदर इन एलिमेंट्स को लिख दें, तो स्टूडेंट देखो क्या बन जाएगा, 5 2, सेकंड 6 3, फिर 4 0 एंड 3 1। स्टूडेंट समझ पाए, हमारे पास जो डाटा था उसको उठा के हमने एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रख दिया। अब बच्चों ये जो रेक्टेंगुलर एरे बन गई ना अपनी, या जो ये बॉक्स का फिगर दिख रहा है, इसके अंदर जो एलिमेंट है और इस बॉक्स को मिला के हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यही होती है स्टूडेंट अपनी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एंट्रीज भी बोल सकते हैं हम। इसके अंदर जो ये वैल्यू लिखी गई है स्टूडेंट, इनको हम या तो एंट्री या फिर एलिमेंट नाम देंगे। इनको या तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर इनको एंट्रीज बोल सकते हैं स्टूडेंट। अब बात आती है स्टूडेंट, इनमें हर एक वैल्यू की कोई ना कोई पोजीशन तो है ही। जैसे आपसे पूछे कि 5 क्या है, तो हम बोल सकते हैं 5 इज द नंबर ऑफ बुक्स विच हैज नितिन। मतलब जितनी नितिन के पास बुक्स हैं, ये एंट्री उसके कोरस्पॉन्डिंग है। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे 0 वैल्यू है, ये क्या बता रही है, तो 0 बता रही है कि नवीन के पास कितने पेन है। ठीक है ना स्टूडेंट, मीन्स दैट हर एक एंट्री की कोई ना कोई पोजिशन फिक्स है। जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 1 लिख रखे हैं, इसकी क्या पोजीशन है, तो हम बताएंगे 1 जो है वो योगेश के पास नंबर ऑफ पेंस है। मींस दैट इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू हमने रखी हैं, वो कोई ना कोई फिक्स पोजीशन लेके रखी गई हैं। इसका मतलब इन वैल्यूज को हम यहाँ से हिला नहीं सकते और इनको कोई ना कोई फिक्स नाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अभी देखो ये सारे के सारे एक लाइन में एलिमेंट है, और देखो अब इनमें हम एरो, रो और कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। एक लाइन तो ये दिख रही है स्टूडेंट हमें, सिमिलरली एक लाइन ये। अब अगर हम ओरिजेंटल वाइज पढ़े इनको, ये तो देखो वर्टिकल वाइज हमने दो लाइन देख ली, ये लाइन और ये लाइन। ओरिजेंटली देखूं तो स्टूडेंट कितनी लाइन है अपने पास, एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, और एक ये लाइन, और लास्ट में ये लाइन। अब स्टूडेंट ओरिजेंटली और वर्टिकली हम इन लाइंस को कोई स्पेशल नाम देंगे, क्योंकि हमने इनकी फिक्स पोजीशन के बारे में भी जानना है कि किसकी कौन सी पोजीशन है, उसके लिए हम इनको नाम दे देते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है अपनी स्टूडेंट, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोल देते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम, या फिर आर नोन एज कॉलम, नोन एज कॉलम। अब कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है इसको फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, जो सेकंड वर्टिकल लाइन है इसको सेकंड कॉलम बोलेंगे स्टूडेंट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट कॉलम की एंट्री बताओ, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर एंट्री आएंगी स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री 5, देन 6, देन 4 एंड देन 3। तो फर्स्ट कॉलम की एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज 5, 6, 4 एंड 3। फर्स्ट कॉलम में कितनी एंट्री आई स्टूडेंट, 4 एंट्री है। इसी तरह अब जो सेकंड वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट, सेकंड वर्टिकल लाइन इसको हम सेकंड कॉलम बोलेंगे। सो सेकंड कॉलम इज, सेकंड कॉलम उसके अंदर एंट्री पूछूंगा मैं आपसे, तो वो आप बताओगे 2, 3, 0 एंड 1। इसी तरह बच्चों अगर मान लो एक लाइन और होती है अपने पास वर्टिकल लाइन, इफ वी हैव इस तरह की अगर कोई एक लाइन होती 1, 2, 3, 4, तो स्टूडेंट ये कौन सा कॉलम हो जाता है अपना, थर्ड कॉलम हो जाता है। मीन्स ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इस तरह बच्चों कॉलम पहचान लो कि जो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल एक ही लाइन में एंट्रीज हैं, उसको हम कॉलम बोलेंगे, और फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस तरह उनकी नंबरिंग देंगे स्टूडेंट। अब हम वर्टिकल लाइन तो पढ़ चुके स्टूडेंट, अब बात करते हैं ओरिजोनटल लाइन। ये जो ओरिजोनटल लाइन है इनको क्या स्पेशल नाम देंगे, तो बच्चों वर्टिकल लाइंस को तो हम कॉलम नाम देते हैं, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके लिए भी एक स्पेशल नाम रख देते हैं, उसको बोल देते हैं हम रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलेंगे स्टूडेंट। अब फिर से वही बात आ जाती है, फर्स्ट रो कौन सी होगी, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो बच्चों जो फर्स्ट रो होगी वो अपनी जो फर्स्ट एंट्री है वहां से देखेंगे। तो फर्स्ट रो के अगर मैं आपसे एलिमेंट पूछूं, तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट होंगे फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में एलिमेंट होंगे बच्चों अपने 5, 2, 1। सेम ऑर्डर में रखे जाएंगे,
यहाँ पे देखो यू मत लिख देना कि 1 2 5, नहीं, जिस ऑर्डर में एलिमेंट रखे गए उसी ऑर्डर में रखेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे स्टूडेंट, 5 2 एंड 1। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 5 कौन सा एलिमेंट है तो बच्चों हम क्या बताएंगे, 5 इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। और कैसे बता सकते हैं 5 के बारे में, हम बता सकते हैं 5 इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखो 5 के दो नाम हो गए, 5 इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड रो की बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड रो बताओ, सेकंड रो के एलिमेंट होंगे स्टूडेंट 6 3 एंड 2, 6 3 एंड 2। इसी तरह थर्ड रो अगर मैं आपसे पूछूं तो थर्ड रो के एलिमेंट होंगे और जीरो 4 0, और जीरो एंड लास्ट फोर्थ जो रो होगी स्टूडेंट उसके एलिमेंट होंगे अपने पास 3 1 4। हाँ जी स्टूडेंट, समझ भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रो बोलेंगे स्टूडेंट, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम बोलेंगे। कॉलम। हाँ जी बताओ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें। नो सर। सर अब बात करते हैं बच्चों हम इनको क्या पर्टिकुलर नाम देंगे। अब मैं अगर आपसे मैट्रिक्स दोबारा बनाता हूं एक बार, जैसे एंट्रीज हैं अपने पास सेम यही रख देता हूं, 5 2 1, 6 3 2, 4 0 3 एंड 3 1 4। अब बच्चों आप ये बताओ, यहाँ पे जो ये 3 रखा गया है, ये वाला 3, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये कौन सी पोजीशन पे रखा है तो आप क्या बताओगे? सेकेंड रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यस गुड। इस एलिमेंट को हम बताएंगे कि ये सेकेंड रो में है और सेकेंड ही कॉलम में है। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 3 है। अब मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट रो, देखो मैं बच्चों यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताएं तो आप कौन सा एलिमेंट बताओगे? हाँ जी अजीत, 1 1। देखो बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो बच्चों ये फर्स्ट रो में चले गए हम, उसके बाद थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की एंट्री है अपनी 1। हाँ जी समझ गए ना, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की एंट्री होगी स्टूडेंट अपनी 1। इसी तरह मैं अगर कोई और पोजीशन पूछ लूं आपसे, जैसे स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूं थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट बताएं तो आप क्या बताओगे? वन फिर से देखो बच्चे एक बार, नितेश, थर्ड रो एंड सर सेकंड, जीरो जीरो, गुड, जीरो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की जो एंट्री होगी वो 0 होगी। हाँ जी बिल्कुल समझ सर। पा रहे हो? एक और यस सर। एलिमेंट देख लेते हम, जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं थर्ड फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, स्टूडेंट फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, फोर फोर फोर, समझ गए ना? तो इस तरह हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को नाम देंगे स्टूडेंट। एलिमेंट की हर एक एलिमेंट या एंट्रीज की फिक्स पोजीशन होती है, और उस फिक्स पोजीशन के बारे में हम कैसे कैसे पता करेंगे कि वो कौन सी रो और कौन से कॉलम की एंट्री है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ पाए? हाँ जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम आपसे, और जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप की, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जहां पे भी बना दिख जाए आपको उसके अंदर एंट्री दिख जाए उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार इतने ही आप याद रखो। अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ स्टूडेंट, उसको नाम दे देता हूँ ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। दूसरी मैट्रिक्स है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है अपने 1 2 3 4 5 6। हाँ जी स्टूडेंट, देखो अभी अभी हम सेट पढ़ गए हैं, सेट थ्योरी,
तो फर्स्ट जो ए लिखा है हमने इसको सेट मत समझ जाना, क्यों? क्योंकि सेट के बीच में कोमा से एलिमेंट सेपरेट किए जाते हैं और मैट्रिक्स में कोमा कहीं पे भी नहीं दिखेगा, इस बात पे फोकस करना सभी बच्चे। देखो मैंने मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3, इसमें कहीं पे भी कोमा यूज नहीं किया है। इफ वी डजंट यूज कोमास देन उसको हम मैट्रिक्स समझेंगे बच्चों, और कोमा लगा के अगर एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हैं इट मींस दैट इज सेट। तो इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस का समझना हमें। एक दूसरी बात और डिफरेंस बता देता हूं बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 1 3, बट सेट के अंदर एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं जिससे आप समझ जाओगे कि ये सेट लिख रखा है या मैट्रिक्स लिख रखी है। दूसरी बात ये भी है, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही दिखेगी आपको और सेट हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट में नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इन दो मैट्रिक्स पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट मैट्रिक्स है, अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, इस मैट्रिक्स का डाटा लेते हैं पहले हम, नंबर ऑफ रोज सर एक, वन वन एक है सर। हाँ जी सब समझ पा रहे हो ना, इसके अंदर एक ही रो है क्योंकि लाइन दिख रही है, तो एक रो स्टूडेंट इसके पास। अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, थ्री। नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके अंदर थ्री। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरह की मैट्रिक्स को कोई ना कोई स्पेशल नाम दिया जाएगा। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो स्टूडेंट, मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बोलेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे लिख देता हूं, ये है अपनी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो हो, इज नोन एज रो मैट्रिक्स। कई बार डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं इनकी एक एक नंबर में कि डिफाइन रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स की स्टूडेंट। अच्छा बी मैट्रिक्स में बताओ नंबर ऑफ रोज कितने स्टूडेंट, टू। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री। ठीक है ना स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स और लिखते हैं सी जिसके अंदर है 1 2 3 4 5। हाँ जी स्टूडेंट, ये सी मैट्रिक्स देख पा रहे हो आप, इस मैट्रिक्स के अंदर बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं अपनी, एक। नंबर ऑफ रोज, रो पूछे हैं फाइव रो है स्टूडेंट। एंड नंबर ऑफ कॉलम, एक। नंबर ऑफ कॉलम वन। तो स्टूडेंट जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मैट्रिक्स में उसको हम कॉलम मैट्रिक्स नाम देंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। सर बी वाले का क्या नाम होगा, बी वाले का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, जिसमें एक से ज्यादा रो एंड एक से ज्यादा कॉलम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देते हैं स्टूडेंट, या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम दे देते। क्या दोनों चीज बराबर हो तो, दोनों चीज बराबर हो उसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देंगे स्टूडेंट। हाँ जी अब बात करते हैं हम इनका ऑर्डर किस तरह डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स का। हाँ जी एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो सी के बाद डी लिख देता हूँ जिसमें एक ही एलिमेंट है वन। हाँ जी इसको क्या नाम देंगे हम, हाँ जी सौरभ ये बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक। और नंबर ऑफ कॉलम्स, एक है। तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है अब हम इनका ऑर्डर एक नया नाम लिखते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरह लिखा जाएगा नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स सभी को दिख रहा है ना, यस सर। इस फॉर्म में इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर देनी हमने, इस फॉर्म में लिखना नंबर ऑफ रोज बीच में क्रॉस का साइन एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है वन, तो नंबर ऑफ रोज हमने लिख दिया वन। क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने स्टूडेंट, थ्री। तो वन क्रॉस थ्री इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ जी बताओ
समझ पाए स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, ध्यान रखना इस बात का। थर्ड मैट्रिक्स बताओ, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5×1 ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड लास्ट मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं 1×1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा हो, जैसे हम एक सिंपल एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए मैट्रिक्स कोई भी जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 5। हाँ जी स्टूडेंट, ये जो ए मैट्रिक्स लिखी है हमने, इसका ऑर्डर बताएं एक बार। 3, 4×3 कंप्लीट बोला करो बच्चों, इसका ऑर्डर पूछा हमने, तो इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कितने है स्टूडेंट इसके अंदर? 4 सर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चों, नंबर ऑफ रोज 4 है इसके अंदर एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। So, order of this matrix is 4×3। अब बच्चों हम इसमें जो एक बात पट गए थे कि row and column, जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ये 1, ये 9 लिख रखा है, ये कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, कहाँ पे है ये एलिमेंट, तो हम क्या बताएंगे? थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना ये बात। अब नोटेशन लिखेंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म दिस, मैट्रिक्स हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाती है स्टूडेंट, ए आई जे जहां पे आई जो लिखा जाता है स्टूडेंट इज आई इज नंबर ऑफ आईथ रो, ए आई जे कौन सा एलिमेंट होगा? आईथ रो एंड जेथ कॉलम का एलिमेंट होगा स्टूडेंट, जेथ कॉलम। अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ए मैट्रिक्स है बच्चों, इसमें फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे जो एंट्री आएगी बच्चों वो कौन सी रो और कौन सी कॉलम की एंट्री होगी? जी बच्चों देखो, मैं यहाँ पे एक ये स्पेस दे दिया, एक ये स्पेस और फिर ये, मान लो इस तरह लिख रहा हूँ, सिर्फ 6 एलिमेंट की बात करता हूँ, चलो 9 की कर लेते हैं हम। स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि ए मैट्रिक्स है उसको हमने ये नोटेशंस देनी है, ए आई जे, आई मीन्स आईथ रो एंड जे मीन्स जेथ कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा लिखा जाएगा? देखो ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की एंट्री है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की, तो इसको हम लिखेंगे A11। हाँ जी बिल्कुल, आई मीन्स रो, तो पहले लिखेंगे बच्चों हम रो और फिर कॉलम, तो A11, ठीक है। A11 अगर दिख जाए आपको तो समझ जाना फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की एंट्री की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी बात करते हैं तो रो तो फर्स्ट है ही, और कॉलम कौन सा आ गया अपना? सेकंड, इसको लिखेंगे हम ए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A12। एंड नेक्स्ट एलिमेंट को क्या लिखेंगे बच्चों? A13। यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो में आ जाते हैं बच्चों, इस एंट्री को बताओ क्या लिखेंगे? A21। यस गुड, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये बताओ अब, A22। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम ये A23। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन हो बता देना एक बार, लास्ट में ये एंट्री बताओ अब, A31। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम और ये A32। और ये A33। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह हम एलिमेंट की पोजीशन का पता करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। और जो आपको यहाँ पे लास्ट एलिमेंट दिख रहा है बच्चों A33, वो क्या बताएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बता देगा अपने आप। देखो 33 मींस यहाँ पे एलिमेंट में 3 रो आई होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, तो जो लास्ट एलिमेंट लिखा हमने 33, इट ऑल्सो डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं,
अब बच्चों हम कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो ये पोजीशंस हमने पता कर ली, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर मैं ये जो मैट्रिक्स दिख रही है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ए आई जे से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि ए टू थ्री, ये एलिमेंट बताएं, ए टू थ्री वाला एलिमेंट कौन सा होगा? सिक्स, टू थ्री सिक्स, गुड, मीन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट होगा बच्चों सिक्स। इसी तरह मैं आपसे अगर पूछूं थ्री फोर, थ्री टू एट, थ्री एट, थ्री टू एट होगा। तो इस तरह एलिमेंट का पता कर लोगे ना बच्चों? यस सर, ठीक है। Yes, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं बच्चों, दो तीन टाइप मैंने बता भी दी थी आपको, डेफिनेशंस लिखते हैं उनके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट होती है स्टूडेंट रो मैट्रिक्स कौन सी होती है स्टूडेंट? ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन एक बार सभी लिख लें, ए मैट्रिक्स Having single row, a matrix having single row is known as row matrix. इसका example अगर कोई पूछे तो कोई भी example दे सकते हैं, जैसे example A matrix जिसमें एक row दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 column कितने भी हो सकते हैं इसमें बच्चों, तो ये हो गया अपनी row matrix. Second type होती है student column matrix. कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। और इसका एग्जांपल पूछूं तो एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू कुछ भी हो सकता है बच्चों। हाँ जी कॉलम मैट्रिक्स कर लोगे ना? थर्ड बच्चों दो टाइप हो गई अपनी, थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी इनको साथ साथ लिखते रहना बच्चों, थर्ड अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो इसको लिखो, A matrix of order m cross n. A matrix order m cross n. M cross n order लिखा है स्टूडेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी तो कितनी रो होंगी बच्चों? m रो एंड कॉलम कितने होंगे? n कॉलम। देखो फिर से बता रहा हूं, ये बात दिमाग में बैठा लो आप। फर्स्ट एंट्री डिफाइंस नंबर ऑफ रोज, सेकंड एंट्री डिफाइंस नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द ऑर्डर m क्रॉस n, वेयर साथ में लिख देता हूं वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, जहां पे m और n दोनों बराबर ना हो, इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम सेम ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं हम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर बच्चों मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पूछूं आपसे तो रोज कितनी आ जाएंगी? 3 एंड कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 2। दोनों एंट्री सेम नहीं है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अगर बच्चों दोनों एंट्री सेम आ जाएं तो उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है व्हेन m इज इक्वल टू n, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n लिखो या फिर इसको लिखो n क्रॉस n जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम is known as square matrix. Example 1, 2, 3, 4. अगर इसमें number of rows पूछूं student तो 2 and number of columns भी 2.
बच्चों यहाँ मैं देखो ये मैट्रिक्स के नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद नीचे जो वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। इसी तरह मैं अगर ये लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम होंगे। हाँ जी बच्चों समझ पाए? यस सर। ये थी स्टूडेंट कुछ टाइप्स, हमने 4 मेजर टाइप डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट रो मैट्रिक्स, देन कॉलम मैट्रिक्स, देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी स्टूडेंट इसमें बताओ, इनमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स के पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस है स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स, तो फिफ्थ नाम दे देते हैं हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल क्या होगा स्टूडेंट वो भी मैं बताता हूं आपको बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले हमें यूं पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या चीज होती है स्टूडेंट। देखो ये दो मैट्रिक्स लिखे हमने, तो जहां पे ये एंट्रीज सेम होंगी, देखो ए आई जे हमने नोटेशन पढ़ी थी ना स्टूडेंट, व्हेन आई इज इक्वल टू जे इज नोन एज डायगोनल एंट्री। डायगोनल की मैं अगर बात लिखूं तो यहां पे डायगोनल की बात करते हैं स्टूडेंट, डायगोनल मींस, तो देखो इफ A इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स को इस तरह डिनोट कर रखा है, एंड इफ आई इज इक्वल टू जे देन ए आई आई इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ डायगोनल, कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ डायगोनल, एलिमेंट ऑफ डायगोनल। बच्चों एक बार डेफिनेशन समझो फिर हम एक मैट्रिक्स के एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान है ये कि डायगोनल एंट्रीज कौन से होते हैं। एक मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों हमने क्या बताया है, व्हेन आई इज इक्वल टू जे देन ए आई आई इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब बच्चों इस मैट्रिक्स में बताओ डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक बार हम 1 5 9 9 गुड। फिर भी देखो हर एक एलिमेंट की पोजीशन लिखते हैं स्टूडेंट, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद इस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो, ठीक है। इसी तरह इसको लिखूंगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड, ठीक है ना। इसकी और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड दैट इज A31 रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड। अब जिन में एंट्रीज दोनों सेम आई है मींस आई आई एंड जे दोनों वैल्यू सेम है वो अपनी डायगोनल की एंट्री होगी स्टूडेंट। तो देखो A11 मींस ये डायगोनल की एंट्री है, दूसरी इक्वल वैल्यू कब आई 2 2 तो ये भी अपनी डायगोनल की एंट्री है स्टूडेंट, और थर्ड वैल्यू इक्वल कब आई 3 3 तो ये भी अपनी डायगोनल की एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट सिंपल इतना याद रखो, ये जो इस तरह की शेप में एलिमेंट आएंगे इन पोजीशंस पे ये हमेशा डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी बोल देते हैं इनको। तो डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हो गए 1 5 9, वैसे भी अगर आप देखोगे तो इनकी पोजिशन हमेशा सेम रो एंड सेम कॉलम रखती है, देख लो चाहे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो डायगोनल के एलिमेंट पहचान लोगे स्टूडेंट? यस सर। ठीक है एक मैट्रिक्स और लिखते हैं हम, हां जी स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट बताओ। 1 और 4 बिल्कुल। वैसे भी देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो रो एंड कॉलम पोजीशन सेम रख रहे हैं, तो इन्हीं को हम सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल के एलिमेंट पहचान लोगे स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल देख लो, 1 0 0 2 1
जीरो थ्री फोर फाइव, इसमें बताओ बच्चों डायगोनल सेंट्री कौन सी है अपनी? ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन को समझाना फिर से। डायगोनल की एंट्रीज? यस सर। फिर से देखेंगे, एग्जांपल और लेते हैं सौरभ। वन टू थ्री फोर जीरो वन सिक्स माइनस सेवन एट, ये एंट्री है सौरभ। ये कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है। स्क्वेयर मैट्रिक्स क्यों है ये? क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है इसमें, तो ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन अगर देखूंगा तो ए वन वन आएगी। इसी तरह अगर इस जीरो एलिमेंट की पोजीशन देखूंगा सौरभ तो टू टू आएगी। सिमिलरली एट की पोजीशन देखूंगा तो थ्री थ्री आएगी। और हमने डायगोनल के एलिमेंट कौन से बताए सौरभ? जब आई इज इक्वल टू जे आ जाए, मीन्स दोनों वैल्यू सेम आ जाए, उन पोजिशन को हम डायगोनल की पोजिशन बोलेंगे। तो वन जीरो एंड एट, सिर्फ इन पोजिशन पे I एंड J की वैल्यू सेम आ रही है तो इनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। या तो इसको इस तरह समझ लो सौरभ, या फिर क्या करो एक इस तरह की लाइन बना दो, जो फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री रखे, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, तो जो जो एलिमेंट आएंगे वो अपने डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखो इसमें वन जीरो एंड एट आ गए। अब अगर मान लो एक रो और होती इसके साथ इस तरह, तो नेक्स्ट डायगोनल का एलिमेंट कौन सा हो जाता स्टूडेंट? ये वाला, समझ रहे हो? इसी तरह की एक क्रॉस में लाइन जो चलेगी उस लाइन पे जो जो एलिमेंट आएंगे वो अपने डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे। हाँ जी सौरभ बताओ। आ गया सर। अब डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स लिखो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ए स्क्वायर मैट्रिक्स In which all entries other than diagonal entries are zero, other than diagonal entries are zero. एक square matrix जिसमें diagonal की entries को छोड़ के और सारी value zero हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल जैसे 1002, सेकंड 1000200003, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के और सारी एंट्री जीरो होंगी, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ जी स्टूडेंट बताओ, अगर किसी को कोई